हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्लुएंट कोडर्स। सो आज का हमारा टॉपिक है गिट एंड गिटहब का सेटअप। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गिट को कैसे इंस्टॉल करें, गिटहब का जीयूआई एप्लीकेशन का क्या यूज है, गिटहब में कैसे साइन अप करें और भी बहुत कुछ। चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रन कमांड करूंगा विंडो प्लस आर। सो इसके थ्रू मैं सीएमडी को ओपन करूंगा। सीएमडी में मैं चेक करूंगा मेरे में गिट इंस्टॉल्ड है कि नहीं। आपको ये चेक करने के लिए आपको जस्ट टाइप करना है git गिट। ये कमांड है गिट की, बेसिक कमांड है चेक करने के लिए कि इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। मैंने एंटर किया तो यहाँ पे आ गया गिट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, मतलब कि गिट अभी तक इंस्टॉल नहीं है मेरे पीसी में। तो चलो इंस्टॉल करते हैं इसको। तो इंस्टॉल करने के लिए जनरली मेरे को जस्ट लिखना गिट डाउनलोड, इसकी पहली वेबसाइट आ जाएगी गिट की मेन साइट गिट SCM की। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको जस्ट इसको इंस्टॉल करना, देन आपका गिट बिल्कुल परफेक्ट फाइन वर्क करेगा। सो मैं इसको इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। सो जस्ट येस, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए, सब कुछ हो जाएगा, आपको कुछ खास सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो या ये अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है वो सब जाने दीजिए आपको, अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है ये अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा गिट। जैसे कि आप देख सकते हैं गिट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। हम जस्ट फिनिश कर देंगे, देन जैसे हमने आपको ये गिट का जब बेसिक वेबसाइट ओपन हो जाती है, जैसे इंस्टॉल हो जाए, अगर आपको वर्जन चेंज करना हो तो वर्जन चेंज कर सकते हो। लेटेस्ट वर्जन अभी 2.3.0 चल रहा है, सो वही इंस्टॉल हुआ। या सो जैसे हम इस कमांड प्रॉम्प्ट पे, अब मैं गिट टाइप करूँगा तो अभी भी यही आ रहा है गिट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज, क्योंकि मैंने अभी तक कमांड प्रॉम्प्ट वो ही पुराना वाला है। सो इसको मैं क्लोज करके फिर से कमांड प्रॉम्प्ट अगर ओपन करूँगा एंड टाइप करूँगा गिट, सो गिट यहाँ पे शो हो जाएगा बिकॉज गिट अब सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है पीसी में। सो अब हम चेक करेंगे गिटहब की बेसिक साइट है github.com। ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। सो साइनअप के लिए हमें साइनअप पर क्लिक करना पड़ेगा। ये जस्ट रजिस्ट्रेशन पेज गिटहब का ओपन हो जाएगा। ये थोड़ा सा हैवी पेज है तो लोड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो या सो इसमें आपको पहले अपना ईमेल डालना, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपना ईमेल डाल रहा हूँ। सो वही ईमेल यहाँ पे वैलिड होगा जिसका जो गिटहब पे रजिस्ट्रेशन जिसका हुआ नहीं है अभी तक, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो आप ईमेल डालोगे तो वो फॉरगॉट पासवर्ड से आपको करना पड़ेगा, उसमें साइन अप नहीं होगा। सो पासवर्ड के बाद आपको एक यूज़र नेम क्रिएट करना होता है, यूनिक यूज़र नेम। सपोज करो आप सौरभ G959, दिस विल वर्क। सो दिस इज़ अवेलेबल। सो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो साइन अप हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है गिटहब का, तो मैं साइन अप नहीं कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली आपको साइन इन करके अपना अकाउंट दिखाता हूँ, अगर आप लॉग इन करोगे तो कैसा गिटहब दिखता है। सॉरी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा गिटहब है। सो ये मेरी रिपॉजिटरी, और रिपॉजिटरी मतलब डिफरेंट प्रोग्राम जो मैंने काम किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं। सो मैं अगर किसी पे भी क्लिक करूँ सो उसके अंदर का कोड आ जाता है, रीडमी फाइल आ जाती है। सो यही है गिटहब। अब जैसे कि हमने बात की थी गिटहब GUI एप्लीकेशन, सो वो है क्या? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सो गिटहब डेस्कटॉप एप्लीकेशन होता है, वही होता है गिटहब का GUI एप्लीकेशन। सपोज करो आपको गिट की कमांड्स याद नहीं रहती, सो आप गिट की कमांड्स को GUI के थ्रू रन करना चाहते हो, तो GUI के थ्रू या गिटहब का ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है इसको अगर आप यूज़ करोगे तो आपको कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप गिट की सारी कमांड्स रन कर सकते हो गिटहब डेस्कटॉप एप्लीकेशन के थ्रू। इसका डाउनलोडिंग लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। सो जैसे मैं क्लिक करूँगा डाउनलोड फॉर विंडोज़, मेरे पास विंडोज 64 बिट है। सो आपके पास जो भी वर्जन हो, विंडोज़ हो, मैक हो, कुछ भी हो चलेगा। जैसे ही डाउनलोडिंग हो जाएगी मैं इसको इंस्टॉल करूँगा, मैं आपको GUI एप्लीकेशन इसका दिखा दूंगा कैसा दिखता है। गिटहब डेस्कटॉप एप्लीकेशन एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है। सो अगर आप इसको रन करना चाहते हो तो आपको इंटरनेट एक्सेस चाहिए। गिट का गिट ऑफलाइन भी वर्क करता है। सो अभी मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज ये थोड़ा हैवी एप्लीकेशन है। जैसे कि आप देख सकते हैं गिटहब का डेस्कटॉप एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है।
इसमें मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ। अगर आपको लॉग इन करना है तो आप यहाँ पे जाके, मैं अभी लॉग आउट कर देता हूँ अपने आप को, 1 सेकेंड। मैं यहाँ पे जाके लॉग आउट हो गया हूँ। अब आप देख सकते हो ये ब्लैंक एप्लीकेशन है, 1 सेकेंड। हाँ, ये ब्लैंक एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे फाइल में जाके अगर आप ऑप्शंस में जाओ तो यहाँ पे आप साइन इन का ऑप्शन दिख जाएगा, github.com और github enterprise। enterprise वो होते हैं जो किसी कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए अलग से github आता है। तो अलग अलग कंपनीज का अलग अलग वेबसाइट्स होती है, उनका अलग अलग github अकाउंट होता है। मैं नॉर्मली github के लिए लॉग इन कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप ब्राउजर के थ्रू लॉग इन एक्सेस दे दोगे तो गिटहब में लॉग इन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। आप अपना ईमेल्स, और अगर आप अपना यूजर नेम याद है तो आप किसी के थ्रू भी लॉग इन कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो अब मैं लॉग इन हो गया हूँ। क्लोन रिपोजिटरी कर सकता हूँ, ठीक है, क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी यहीं से कर सकता हूँ जो गिटहब के थ्रू, गिटहब की वेबसाइट के थ्रू करना होता है। उसके बाद अगर मुझे कोई कमिट करना है, पुश करना है, तो वो भी कर सकता हूँ। ये सब हम आपको अपने आने वाले वीडियोस में दिखाएंगे कि कैसे करना है। यहाँ पे ब्रांच भी है, अगर मुझे किसी रिपोजिटरी में जाके किसी की ब्रांच बनानी है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ये सब हम आगे कवर कर देंगे सब, बट जनरली हम GUI का यूज़ नहीं करेंगे, जनरली हम कमांड लाइन के थ्रू सिखाएंगे आपको सब कुछ। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग या किसी भी गिट या गिटहब के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे लिंक्डइन आईडी पे। हम लिंक्डइन आईडी अपनी शेयर कर देंगे, और आप कमेंट भी लिख सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।